जब गोपियों को पूछा गया ना कि अरे गोपियों, तुम तो मथुरा जा ही सकती हो, मथुरा कोई वृंदावन से दूर है, कभी भी चली जाओ, तो गोपी कहती है जा तो हम सकती हैं, लेकिन हमने अपने जीवन भर उस मोर मुकुट गिरधारी का दर्शन किया है, अब हम उस राजाधिराज चक्रधारी कृष्ण को नहीं देखना चाहते, हमें मथुरा वाला कृष्ण पसंद नहीं है। अगर उससे प्रेम है तो इसी ब्रज में उसी रूप में दर्शन देगा, तो उसकी आराधना करें। फिर भी जब विरह असह्य हो गया, जब विरह सहन से बाहर हो गया, तो गोपी बोली श्री राधा रानी से, हे श्री जी अब तो चल दो, एक बार तो चल दो। सुना है श्री कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए हैं महाभारत के युद्ध के लिए, अब तो चलो। तो कठोर हृदय से श्री जी चल पड़ी अपनी सखियों के साथ कुरुक्षेत्र। शिविर लगा था, द्वारिका से 16,108 रानियां आई थी, श्री कृष्ण भी आए हैं। 100 वर्षों का वियोग श्री कृष्ण और राधा का, आज 100 वर्ष बाद मिलन होने वाला। श्री किशोरी जो शिविर में विराजमान है, और भगवान श्री कृष्ण ने उस शिविर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही श्री कृष्ण अपने नेत्रों के अश्रुओं को रोक न पाए। ये क्या मेरी वही प्रियाजू है जिनके मुखमंडल पर इतना अद्भुत तेज कांति रहती थी, आज क्या दशा हो गई इनकी? बैठी है सर झुकाए, नेत्रों में अश्रु, और श्री कृष्ण क्या करें, क्या बोलें, शब्द क्या कहें, माफी मांगे? क्या जो दुख मैंने इन गोपियों को, राधा रानी को दिया है, क्या ये क्षमा के योग्य है? नहीं, शब्द नहीं है। श्री कृष्ण ने आज अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रख दिया। हे राधा, मैं क्या मांगू तुम्हारी भूल के, अपनी भूल के लिए? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आप करुणामयी हो, सबको क्षमा कर देती हो, तो इस कृष्ण को भी अपना दास समझ करके क्षमा कर दो। और वो शब्द याद आते हैं कृष्ण को, जिससे वो श्री राधा रानी की मनुहार करते थे, राधे राधे, करुणामयी कृष्ण पिया। रासरूपा, हे
ईश्वरी रस रूप। हे मनुहारिणी रासेश्वरी रस रूप। हे प्रज विलाशिनी वासनी ब्रज की भूपा। हे प्रज विलाशिनी वासनी ब्रज की संग में ललिता देख सह चरी सर्वाश्व स्वरूपा। ललिता देख संग सह चरी शर्व स्वरूपा। निज प्रणत वत्सला भामनि परमनुपा। निज प्रणत वत्सला ब्रज गोपवंशमणि ब्रज बरसाने वारी। ब्रज गोपवंश ब्रजे बरसाने वारी। मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। मेरी सुध लीजो श्री वर्षा दुलारी। मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। मेरी सुध लीजो श्री मुकुट श्री श्याम सुंदर ने चरणों में रख दिया। जब कोई व्यक्ति कोई कर्जा उतारने में हार जाता है तो अपनी शान उसके चरणों में रख देता है। भैया अब मेरे बस की बात नहीं, क्या कहूं मैं, कैसे अपनी राधा को समझाऊं कि मैंने कितना बड़ा धोखा दिया। परसों कह करके बरसों बीत गए। श्री जी ने देखा चरणों में लोटे हैं, पकड़ करके श्याम सुंदर को उठाया। ना ना श्याम सुंदर ऐसा मत कहिए, आपका कोई अपराध नहीं है, ये कोई आप अपराधी थोड़ी हैं। मैं जानती हूं हमने खुद ने निर्णय किया था कि हम अवतार लेंगे, लीलाएं करेंगे, तो लीला में तो ये होना ही था।
और आपसे मेरा संयोग थोड़ी होता है, आप और मैं कोई अलग थोड़ी है। आप ऐसे न कहिए, श्याम सुंदर कहते हैं स्वामिनी एक प्रार्थना है मेरी, अगर आप स्वीकार कर ले। हाँ ना प्यारे, कहिए, अगर कृपा हो जाए तो हे राधा अपने ये चरण एक बार द्वारिका में रख दो, वो भूमि धन्य हो जाएगी। एक बार मेरे साथ द्वारिका चल के उस धरती को, उस माटी को पवित्र कर दो। श्री जी के नेत्रों से अश्रु बहते हैं। श्याम सुंदर से कहती है, हे श्याम सुंदर, मैं कितनी असमर्थ हूं आपकी इस प्रार्थना को पूरी करने के लिए, आपकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए। प्यारे सही बताऊं तो कुरुक्षेत्र भी बस एक बार तुम्हें देखने आई हूं, अन्यथा अब ब्रज छोड़ने का मन नहीं करता। उस वृंदावन की भूमि से बाहर जाने का अब हृदय ही नहीं कहता। बस आपकी एक झलक पानी थी, गोपियों की इच्छा थी, इसलिए आ गई, अन्यथा मैं उस रज को कैसे छोड़ दूं। तुम तो छोड़ करके चले गए, तुम्हारे बाद किसने संभाला हमें। उस वृंदावन की माटी ने, हे श्याम सुंदर, हमें संभाल करके रखा। आज हम उससे दगा कर दें कि हम उसे छोड़ के तुम्हारे साथ चल पड़े, नहीं नहीं, इस भूमि को हम नहीं छोड़ सकते। स्वयं श्याम सुंदर से मिलने के लिए जो श्री जी उस धाम को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुई, तो सोच के देखिए उस भूमि का कितना महत्व होगा। तुम्हें द्वारिका जाना है, जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, ये ब्रज मेरा है। श्री जी मानती हैं कि ये मेरा है, मैं कैसे छोड़ दूं इसको, ये मेरा घर है, ये मेरा धाम है, ये मेरा निज महल है। कितने कितने भाग्यशाली हैं हम कि इस निज घर में श्री जी हमें बुला लेती हैं, हमें वास दे देती हैं। धाम की महिमा अद्भुत है, अद्भुत महिमा है धाम की।